बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जी एक नए न्यू स्लिंग शॉट का मॉडल लेके आए हैं, तो आज उसकी इंशाल्लाह हम अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे जी कौन सा मॉडल है और इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हमें रिसीव होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास स्लिंग शॉट का बॉक्स है, ठीक है। तो ये इसकी जो पैकिंग आपको शो हो रही है, इसमें हम चेक करेंगे खोल के इसमें कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें अभी रिसीव होने वाला है। तो इंशाल्लाह ये चेक करते हैं कि माशाल्लाह से इसमें तो पहले तो रबड़ बैंड्स निकल आए हैं, साथ में स्टील बॉल्स का पैकेट भी निकला है। तो ये देखें जी, स्टील बॉल्स का पैकेट है, साथ में ये कुछ डिफरेंट कलर के रबड़ भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास स्टेनलेस स्टील का एक मॉडल है, ठीक है। तो ये मॉडल है, हम इसको आज ओपन करते हैं और इसका देखते हैं इसके साथ क्या क्या हमें रिसीव होने वाला है। तो ये हमारे पास मॉडल है, इसको हम अभी ओपन कर रहे हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त मॉडल है स्टेनलेस स्टील का। तो ये आपको शो हो रहा है, तो इसके ये इसकी जो है ना सामने इसकी फ्रंट साइड है और ये इसके ऊपर एन लिखा हुआ है, और साथ में ये देखें जी आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो स्क्रूज हैं वो भी इनसाइड हैं, मतलब कि बाहर की तरफ नहीं है, ये देखें बिल्कुल अंदर की तरफ ये शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला मॉडल है हमारे पास, हम इसकी भी थोड़ी सी मेजरमेंट चेक करेंगे और साथ में इसका जो वेट है 150 प्लस ग्राम इसका वेट है। साथ में इसके बॉक्स में क्या हमें रिसीव होने वाला है, इसके साथ 6 रबड़ आ रहे हैं जी, साथ में जो है ना ये स्टील बॉल्स का एक पैकेट भी है जो इसमें 144 पीसेस के अराउंड स्टील की बॉल्स होती हैं, एमिनेशन होती हैं। तो भी ये चेक करते हैं साथ में ये क्या रिसीव हो रहा है हमें। तो ये वाला इसका छोटा एक सा पैक है, इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या जी हमें रिसीव हो रहा है। तो ये देखें जी, एल्की हमारे पास एक रिसीव होती है नट्स को रबड़ को टाइट करने के लिए, ठीक है। ये वाली एल्की है, साथ में ये दो नट्स हैं रबड़ को क्लच करने के लिए जो साइड से हैं इसके ऊपर जो लगी हुई हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ये मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ये एल्की है ना, इस एल्की को हम इसके साथ खोल दें, ठीक है। तो इसको खोल के हम इसके ये वाला जो ऑलरेडी इसके ऊपर नट लगा हुआ है इसको उतार के हम ये वाला भी इसके ऊपर सेट कर सकते हैं, मतलब कि इनसाइड भी और आउटसाइड दोनों जो है ना वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं कि आपने बाहर की तरफ के जो नट रखते हैं वो वाले अपने इस्तेमाल करने के कौन से वाले इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में इसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में कुछ भी नहीं आता कि मतलब कि आपके पास इसकी साइट हो, साइट इस पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ये रबड़ रिसीव हो रहा है, हम इस रबड़ को इसके ऊपर इंस्टॉल करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना सिंपली इसके एल्की के साथ हमने इसको थोड़ा सा लूज करना है, सिंपली जो इसका ये वाली जो साइड है इसको हमने लूज करना है, ये वाला जो इसका हमारा है साइड इसको हमने सिंपली इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके हमने जो है ना ये इंसर्ट हो गया, इसमें उसके ऊपर जो ना क्लॉकवाइज हमने इसको अभी घुमा देना है, ठीक है। तो इस तरह ये रबड़ को टाइट कर देगा, ठीक है। और सिंपली दूसरी साइड से भी यही है बिल्कुल, आपने इसको भी लूज करना है, इसको भी लूज करना है साइड को जो अभी आपको शो हो रही है, इसको भी लूज करके आपने क्या कहते हैं जी आपने इसको इंस्टॉल कर देना, ठीक है। ये आपके पास एल्की है, इसके साथ आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लूज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये लूज हो गया, अभी इसको जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये इसको हमने ऐसे क्लच किया और इसको क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पीस यूं टाइट हो गया। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त क्वालिटी है, 150 प्लस इसका ग्राम इसका वेट है, साथ में इसके 6 रबड़ भी आते हैं पैकेज में और स्टील बॉल्स का पैकेट भी है। ये साथ में जो है ना इसकी ये इसको अगर आप ये उतार के ये भी इसके ऊपर फिट कर सकते हैं, वो कैसे फिट करेंगे आप, सिंपली आपने इसको अनइंस्टॉल कर देना ये वाला जो स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, और इसको फिर हमने जो है ना इसके अंदर यूं बिल्कुल पहले इसके अंदर आपने स्प्रिंग को रखना, स्प्रिंग को रख के आपने फिर इसको यूं करके इसमें इंसर्ट कर देना, ठीक है। तो सिंपली ये एडजस्ट हो जाएगा इस तरह। तो ये वाला साइड है, हम इसके जो है ना भी थोड़ी सी मेजरमेंट आपको बता देता हूँ इसके क्या मेजरमेंट है हमारे पास। ये एक स्केल है स्केल के साथ हम अभी मेजर करेंगे इसकी जो है ना प्रॉपर मेजरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये देखें जी, इंशाल्लाह ये इसकी मेजरमेंट हम जो रबड़ को क्लच करने वाले ये इधर से देख लेते हैं, इसकी इधर से कितनी मेजरमेंट बनती है। ये देखिए जी, पूरी 20 एमएम इधर से है, ठीक है। ये आपको शो हो रही है 19 एमएम है, ठीक है। 19 एमएम इधर से है, तो ओवरऑल चेक कर लेते हैं कितनी है, इधर से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिएगा अभी ये चेक करें जी आप, ये कितनी शो हो रही है 70 एमएम जो है ना इसकी आउटर जो है ना ये वाली इधर से लेके इधर जाके जो है ना 70 एमएम इसकी ऊपर वाली लेंथ है। अगर 20 और 20 मगर पीछे जो है ना वो 20 और 20 निकाल दे 40 और 30 29-30 के अराउंड बोर्ड जो है इसकी जो ये वाला जो अंदर की तरफ जो डिप्रेशन बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये वाला डिप्रेशन जो है ना ये 30 के अराउंड बोर्ड एमएम में जो है ना ये इसका अंदर का एरिया है। ओवरऑल इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, ओवरऑल इसकी लेंथ कितनी है, ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन है कोई अभी ये इसकी लेंथ ओवरऑल हम मेजर कर लेते हैं, ये आपके सामने है जी 11.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 110 110
तकरीबन 110 mm से 115 mm, ठीक है। 115 mm जो है ना, 11.5 सेंटीमीटर जो है इसकी ओवरऑल इसकी लेंथ है। तो मेरा हाथ जो है ना, ये जो मेरा हाथ आपको शो हो रहा है, ये 8.5 इंचज का हाथ है। तो इस 8.5 इंचज के हाथ में भी ये वाली स्लिंग शॉट जो है ना, बिल्कुल जो है ना कंफर्टेबली जो है ना, ये फिट आ रही है, ठीक है। तो बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिस भाई को चाहिए तो वो हमारे हमारी जो वेबसाइट है tasirhunting.com, उधर ऑर्डर कर सकता है। व्हाट्सएप ये स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी इसको परचेज वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।